हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट फूड एवरी टाइम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल और हम सब की फेवरेट मूंगफली की चिक्की, यानी कि गजक, जो सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो चलिए चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम गुड़ लिया है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 200 ग्राम मूंगफली के रोस्टेड दाने, इसकी मैंने रोस्ट करने के बाद छिलके उतार लिए हैं, और 1 टेबल स्पून घी लेंगे। तो चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसको हमने गरम करने रख दिया है और अब इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। इस घी की वजह से गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और अब इसको चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करते जाएंगे। फ्लेम लो ही रहने देंगे ताकि पैन में लगे नहीं, और गुड़ को हम स्पैचुला से तोड़ते जाएंगे ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। हमारा गुड़ जो है धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है, घी की वजह से ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। गैस के फ्लेम को हमें इस वक्त लो ही रखना है और इसे लगातार चलाते जाएंगे। तो ये देखिए गुड़ धीरे धीरे पूरी तरह से मेल्ट होता जा रहा है। अब गुड़ मेल्ट होने के बाद फूलने लगा है, इसे लगातार 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते जाएंगे और गुड़ का कलर भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ये देखिए गुड़ का कलर जो है चेंज होने लगा है। बीच बीच में हम इसे एक बोल में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर इसे चेक करते जाएंगे। तो गुड़ जो है अब काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे हम एक बोल में डालकर चेक कर लेंगे। अब गुड़ को कुछ सेकंड के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे चेक करेंगे। कुछ सेकंड हो गए हैं, तो चलिए गुड़ को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ अच्छे से अलग हो रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे और अच्छे से सारे मूंगफली के दाने को मिक्स कर लेंगे। इस टाइम हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ मिक्स कर लेंगे। चिक्की में घी डालने की वजह से काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ गई है। चिक्की को फैलाने के लिए आप किसी भी बर्तन में घी से ग्रीस करके उसमें डाल सकते हैं, या फिर किसी पॉलीथीन पर घी लगाकर उस पर भी फैला सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक चौड़ा बर्तन ले लिया है, इस पर घी से अच्छी तरह से चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए अब इस पर चिक्की को फैला लेते हैं। चिक्की इस टाइम काफ़ी गर्म होती है, इसे अच्छे से फैलाएंगे और इसको चारों तरफ से बराबर शेप में कर लेंगे। चिक्की फैलाने से पहले घी हमने इसलिए लगाया है ताकि चिक्की जो है आसानी से हटकर निकल आए। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से स्पैचुला की हेल्प से फैला लिया है। अब हम इसे एक चम्मच की हेल्प से चारों तरफ से और अच्छे से फैला लेंगे। देखिए चारों तरफ से एक जैसा शेप बन गया है। इसके बाद बेलन पर घी लगाकर बेलन से इसे बराबर चला लेंगे ताकि शेप जो है एक जैसी आए। तो इसे अच्छे से बेलन से बेल लेंगे। बेलन पर घी हमने इसलिए लगाया है चिक्की जो है उससे चिपकेगी नहीं और आसानी से चारों तरफ से बेल जाएगी। तो इसे अच्छे से बेल लिया है, आप देख सकते हैं चिक्की बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। चिक्की अभी गर्म है तो इसी टाइम पे हम इसमें कट लगा लेंगे, बाद में ये जम जाएगी तो इसमें कट लगाने में बहुत ही दिक्कत आएगी। इसी तरीके से पूरी चिक्की में हम कट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी चिक्की में कट लगा लिए हैं। अब इसे 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 20 मिनट पूरे हो गए हैं। अब पीसेस को एक एक करके निकाल लेंगे। चिक्की जो है बहुत ही आसानी से निकल कर तैयार हो जाती है, ये देखिए। इसी तरीके से सारे पीसेस को निकाल लेंगे। परफेक्ट क्रंच, सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी पीनट चिक्की, इसी तरीके से बनाकर देखें, बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है। तो अब मैं आपको एक पीसेस को तोड़कर बताती हूँ।
देखिए काफ़ी क्रंच है इसके अंदर। परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, अगर हम उन्हें ठीक से फॉलो करें तो बिल्कुल मार्केट जैसी क्रंची और टेस्टी चिक्की बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी मैं आपके लिए नए नए तरीके की रेसिपी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।